हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों स्वागत है। और आज की वीडियो और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नॉलेजबल होने वाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक कीपैड का फ़ोन और इसमें जो है पी यू के लॉक लग चुका है। और इसमें जो सिम डल रहा है वो यहाँ पर मेरा डल रहा है आइडिया का, यानी कि जो वी आई होता है वी आई का यहाँ पर सिम डल रहा है। और ये इसमें पी यू के लॉक लग चुका है और जो खुल नहीं रहा है। और यहाँ पर देखता हूँ, मैंने काफ़ी यहाँ पर 4 बार ट्राई कर चुका हूँ और यहाँ पर मैं इसको 8 बार से ज़्यादा डाल देता हूँ तो ये सिम जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा, फिर ये कहीं पर भी नहीं खुलेगा। तो इसको आपको कैसे खोल लेना है वो आपको मैं बताने लगा हूँ, क्योंकि कभी कभी हमारे फ़ोन से भी लग जाता है। अगर आपने देखा होगा तो आपके फोन साथ भी कभी ना कभी एक प्रॉब्लम्स आई होगी जिसकी वजह से आपका जो सिम है वो बंद हो जाता है। इसको कैसे सोल्व करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना शुरू से लास्ट तक, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को और भी प्रेस कर देना। तो वैसे तो पहले करना क्या, यहाँ पर देखो जब भी आप सिम डालोगे फोन को ऑन करोगे तो ये पी यू के कोड यहाँ पर डालने को आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये 4 टाइम्स यहाँ पर यूज़ कर लिया है। और यहाँ पर मैं एक बार और डाल देता हूँ, 1 2 3 4 कुछ भी एकदम डाल देता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर 4 आ चुका है और मैं इसको डाल के ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है ये नहीं खुलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर देख सकते हो 8 बार यहाँ पर डालना है, 8 बार से ज़्यादा डालते हैं तो ये जो ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप चाह करके भी नहीं खोल पाओगे। तो इसको खोलने के लिए आपको करना क्या है, आपको एक फ़ोन की जरूरत पड़ने वाली है जिसमें आपको जो है स्मार्टफोन में आपको एक आइडिया का सिम होना चाहिए, वो आपको दूसरा होना चाहिए या कोई से भी होना चाहिए गाइस, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है एक नंबर डायल करना है, वो नंबर मैं आपको बताता हूँ। तो नंबर आपको 198 पे कॉल करनी है, यानी कंपनी का आपको नंबर जो लगा लेना है आइडिया के नंबर से ही। आइडिया के नंबर से यहाँ पर मैंने इसको कंपनी को कस्टमर के कॉल को लगा लिया है और इसको कराने स्पीकर पर ऑन कर लेता हूँ मैं। तो इसमें कुछ स्टेप्स आएंगे, आपको उनको फॉलो करना है। देख सकते हो, एक दबाने को बोला नहीं, एक दबाना है आपको। तो आपको गाइस 2 दबा देना है यहाँ पर, देखते हो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपको दबाना है। यहाँ पर सुनते रहो आपको, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या दबाना है। यहाँ पर देख दो, अभी फाइनली तो गाइस ध्यान से सुनना इन चीजों को। तो कैसे आपको 5 दबाना है सबसे पहले, यहाँ संबंधी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 1 दबाएं, आपके नंबर के लिए पीयूके प्राप्त करने के लिए 2 दबाएं। तो आपको गाइस 2 दबा देना है पीयूके के लिए। संख्याओं का मोबाइल नंबर एंटर करें। तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना, तो यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखते हो, मोबाइल नंबर आपको दर्ज करने के बाद आपको एक कॉपी पेन ले लेना है, दूसरा फोन ले लेना है जिसमें आपको जो कोड बताएगी वो कोड आपको लिख लेना है। पुष्टि करने के लिए 1 दबाएं, नंबर दोबारा है, कृपया अपने जन्म साल को YYYY फॉर्मेट यानी साल के क्रम में दर्ज करें। उदाहरण के तौर पे अगर आपका जन्म साल 1980 है तो कृपया एंटर करें। तो गाइस यहाँ पर आपको अपना जन्म का वर्ष करने लाना है, तो यहाँ पर आपको नहीं पता है तो आप 2000 से ट्राई कर सकते हो एज के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं 2003 डाल देता हूँ क्योंकि कंफर्म मुझे भी नहीं पता है। पर आपने जो जन्म साल एंटर किया है वो आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेज से मेल नहीं खाता। तो गाइस आपको द्वारा करना है तो यहाँ पर 2000 में 2 डाल देता हूँ आपके। क्षमा करें, पर आपने जो जन्म साल एंटर किया, तो ये भी गाइस देख सकते हो गलत है। तो अब जो है मैं 2001 डालता हूँ समथिंग। मैं पिन यहाँ पर एक बार डाल लेता हूँ, तो 547272 67। तो इसको आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, वो क्लिक करने के बाद आपको ठीक पे ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नया पिन डालें तो नया पिन आपको यहाँ पर डाल देना है। मैं डालता हूँ 1122 डालने के बाद आपको इसको ओके कर देना है। फिर से आपको यहाँ पर 1122 डालना है, इसको आपको ओके कर देना है।
ओके करने के बाद यहाँ पर आपको लिखा हुआ प्रतीक्षा करें और यहाँ पर आपको जो फोन है वो फाइनली खुल जाएगा। तो गाइस देख सकते हो ऐसी कमाल की ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और जो आपका पीयूके था वो फाइनली खुल चुका है। अगर आप इसको 10 यानी कि 8 बार से ज़्यादा यूज़ कर लेते तो आपका जो सिम था वो बंद हो जाता, फिर आपका जो सिम है वो कभी चालू नहीं होता। तो इस तरीके से देख सकते हो आपको एक कॉपी पेंसिल लेना है जिसपे आपको पीयूके कोड लिख लेना है, जो कि मैंने यहाँ पर देख सकते हो अपने नोट पैड में यहाँ पर दूसरे वाले फोन में यहाँ पर लिखा था, और यह आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपका जो फोन है वो आपके फोन में कोई भी प्रॉब्लम से नहीं आएगी, तो आपका जो सिम है वो यहाँ पर बच जाएगा इस तरीके से। अगर ये आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज वाली वीडियो लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर लेना, एक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना।